जलीय घोल में पृथक्करण के आधार पर अम्ल और क्षार का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम जानते हैं। जलीय घोल में तीव्र और सम्य अम्ल और क्षार अलग अलग स्तरों पर पृथक होते हैं। शुद्ध पानी में किसी हद तक पृथक्करण होता है, जिससे हमें समान भागों में H प्लस और OH माइनस के आयन प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिक सोरेनसिस ने आयनिक सांद्र H प्लस को नापने का एक नया पैमाना अर्थात स्केल या इकाई का आविष्कार किया, जिसे pH स्केल या मापन श्रेणी कहा गया, जिसका अर्थ है हाइड्रोजन की शक्ति। इस मापन श्रेणी का इस्तेमाल कर हम पदार्थों को अम्लीय, क्षारीय और उदासीन घोल की श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। pH कागज़, वैश्विक सूचक या फिर pH मीटर की सहायता से हम किसी भी जलीय घोल को नाप सकते हैं। रंग में आए परिवर्तन हमें उस घोल के pH स्तर को नापने में सहायक होते हैं। pH का कागज़ और वैश्विक सूचक लाल रंग से केसरिया और केसरिया रंग से पीले रंग की ओर जाना घोल के अम्लधर्मिता को दर्शाता है। इसका मूल्य 1 से 7 के बीच में बदलता है। अम्लीयता 1 से 7 की ओर जाते समय घटती जाती है। 7 ये संख्या दर्शाती है कि घोल उदासीन है, और यही बात हरे रंग द्वारा दर्शाई जाती है। हल्के नीले रंग से गाढ़े नीले रंग तक श्रेणियां घोल की क्षारीयता या क्षारीय मूलकता को दर्शाती है। इसे ही अंक के माध्यम से 8 से 14 के बीच में बढ़ती हुई श्रेणी के द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रयोग के लिए हमें परख नली स्टैंड, ड्रॉपर इत्यादि वस्तुओं की आवश्यकता होगी। इसके साथ हमें सोडियम कार्बोनेट, विरंजन अर्थात ब्लीचिंग पाउडर, नींबू का रस और कुछ सूचकों की आवश्यकता होगी, जैसे लिटमस पेपर, वैश्विक सूचक इत्यादि। हम घोलों को क्रमशः ए, बी और सी इन परख नलियों में लेंगे। अब इन्हें किसी भी एक सूचक की सहायता से जांचेंगे और अपने निरीक्षणों को निरीक्षण तालिका में दर्ज करेंगे। निष्कर्ष: सोडियम कार्बोनेट और ब्लीचिंग पाउडर दोनों क्षारक हैं और नींबू का रस अम्ल है।